नेक्स्ट ये कहता है ये 5500 kg कार है, ठीक है, हैवी कार है, टेक ए टर्न अराउंड ए रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी, ठीक है, एक रोड है, उस रोड पे एक सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है और कार जब टर्न लेती है तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 36 किलोमीटर पर आवर है यार, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 36 और ये 5/18, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर तो 10 मीटर पर सेकंड से टर्न ले रहा है, ठीक है, और ये जो रेडियस है वो 50 मीटर दिया हुआ, मतलब वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकंड से टर्निंग ले रहा सर्कुलर पाथ पे और रेडियस हो गया 50 मीटर, ठीक है, और कार का मास हो गया कितना, हो गया 500 kg। तो अब हमें चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रटा रटा फार्मूला हम लोग के पास क्या है, mv²/r, ठीक है, तो मास आ गया 500 और r रेडियस हो गया 50 और वेलोसिटी का स्क्वायर रख दो, वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10, 5 ने 5 ने 0 के 0 के, मतलब 1000 न्यूटन जो है वो फाइनल सोल्यूशन इसका होगा, दैट इज 1000 न्यूटन, दैट इज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।